करते थे पहले दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान आमने सामने बैठ जाते हैं, श्रोता अशिक्षित होया करते थे, वो उनकी वार्ता सुनने आते थे और संस्कृत बोलते रहते, वो भी संस्कृत बोलता, जो घनी देर डटे नहीं डटे, काफी देर संस्कृत जो बोल देता उसको विजयी कर दिया करते थे। ऐसे ये शास्त्रार्थ होया करते थे। तो सर्वानंद जो था उन्हीं में से एक विद्वान पाक रहा था। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था, शारदा देवी थी और वो भी ब्राह्मणी थी, बहुत भक्ति किया करती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग पूरे ही भक्ति किया ही करते थे, कुछ ना कुछ करते थे और औरों को भी बकाया करते थे, उनको भी समझाया करते थे। और उस शारदा रानी को, शारदा देवी को एक ऐसी भयंकर बीमारी होगी, ऐसा देहरोग हो गया, उसने सब जंतर मंत्र जो स्वयं जानती थी वह भी कर लिए, भक्ति अनुष्ठान सारे कर लिए, फिर किसी ने भी जहाँ भी कोई झाड़े लाने वाला बताया वहाँ गई, किसी ने कोई अच्छा पहुँचा हुआ ऋषि संत बताया वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाते ही उन्होंने उनको बताया कि ये क्रिया कर, ऐसे कर ले, इतना दान कर, वो सब कुछ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो संत ऋषि क्या कहता है कि माता तेरे प्रारब्ध का दुख है, कष्ट है, ये प्रारब्ध का कर्म तो कर पाप कर्म तो तने भोगना ही पड़ेगा, ये प्रारब्ध का दुख है तेरा, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आत्मा को पता है, आत्मा नहीं मानती है कि कोई, वो मानती है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो सब दुखों को दूर करती है, प्रारब्ध के भी दुख को नाश करती है। अब पुण्य आत्मा विचार करो, हमारे शुभ कर्मों से पुण्यों से तो सुख होता है और पाप कर्मों से दुख होता है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियावान कर्म। जो क्रियावान कर्म हम प्रतिदिन कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे जीवन में पहले ही निर्धारित किए हुए हैं परमात्मा ने, विधाता ने, कि तू ऐसे ऐसे ये सुख होगा, इतना दुख होगा, इतनी संतान होंगी, इतनी मरेंगी, इतनी बचेंगी, ये पहले लिख दी जाती है। तो क्रियावान कर्म जो हम कर रहे हैं, ये क्रियावान कर्म हमारे संचित कर्मों में डिपॉजिट होते जाते हैं, संचित माने पहले का संग्रह किए हुए, और उन संचित कर्मों में पुण्य और पापों से थोड़ा थोड़ा मिलाकर एवरेज से एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। तो जो संचित कर्म है वो तो रखे हैं, वो तो दुखी करें ना सुखी करें, वो तो अगले जन्म में फिर लाद दिए जाएंगे हमारे ऊपर। और क्रियावान हम कर रहे हैं ये अभी दुखी करें कोई नहीं, क्योंकि ये संचित कर्मों में जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लस हो जाए हैं। हमें दुखी और सुखी अपने प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, पहले वाले कर्म जो प्रारब्ध में ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो जिस भी संत ऋषि के पास कोई जाता है, जाते उसको क्रिया बताता, यू नाम जाप कर, इतनी माला फेर, इतने रुपये चढ़ा दे, इतने दान कर दे, ऐसे फलानी चीज बना दे, एक किता गांव में मंडी बना दे, और जब उनसे भी आराम नहीं होता है, फिर लास्ट में कह देता ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब शारदा पहले ऐसे गई एक के पास, उसने कुछ दिन उसको भ्रमित किया, उससे राहत नहीं मिली, उसने भी लास्ट में यही जवाब दे दिया कि तेरे प्रारब्ध का दुख है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में लिखे पाप कर्म का दंड है, ये भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, तेरी मृत्यु के साथ अंत होगा। फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, फिर चौथे के पास गई, सबने लास्ट पहले तो जंतर मंत्र बताए, जंतर मंत्र बताते हैं तो आत्मा खुश होती है कि शायद राहत मिलेगी, लास्ट में उसका भी यही जवाब रहा। अंत में वो दुख पाने के लिए अपनी खटखटिया पकड़ दी कि ये तो मेरा प्रारब्ध कर्म का पाप का दंड है, भोगना ही पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर कबीर जी की एक शिष्या बेटी, शिष्या लड़की बहन उस शारदा के पास चली गई, कुशल मंगल पूछा तो शारदा ने सारी कहानी बताई कि बहन मेरा तो जीवन भी नरक हो गया। तो उस बहन ने, परमात्मा कबीर जी की शिष्या बेटी ने
कहा क्या कहीं आपने कोई इलाज नहीं करवाया कि इलाज पूरा वेदों को खूब दिखा लिया और संतों के पास, जाड़ा लगाने वालों के पास, जो अनुष्ठान कराने वालों के पास भी मैं सब जगह कई नाम गिना दिए उसने, उस तो रह गई वहाँ गई वहाँ गई। उस परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि बहन एक काम कर तू, आप हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, आपका ये रोग नहीं रहेगा। वो कहने लगी बहन मैं तो छक लीन गुरुआ तै, मैं तो छक लीन गुरुआ तै और मैं ना कितना नाम लूँ। उसने कहा कि देखो हमारे ऐसे तकलीफ थी, मेरे ऐसे थी, ऐसे ठीक हो गई, एक हमारा रिश्तेदार था उसको ऐसे दुख था वो ठीक हो गया, और सब ने यही बोल दिया था कि तेरे प्रारब्ध का दुख है। अब शारदा ने सोची भाई बात तो कुछ कटेगी, बताओ है। कहने लगी कौन है तेरे गुरु जी, चल देख लेती हूँ मैं एक बार और नाम लेके गुरु बना लेती हूँ। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी हैं कबीर, परमात्मा कबीर जी। तो उसने पूछा कहाँ रहते हैं, कि यहाँ बताया उसने जुलाहों की कॉलोनी में। तो अंडरस्टूड था जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मण तरह को ना। कहने लगी क्या वो धानक है, कहाँ धानक है। और वो लड़की बोली तू धानक ना समझे, उसको भगवान है, वो परमात्मा है। वह बोली अपना काम कर, शारदा बोली अपना काम कर, हम ब्राह्मण अरे वो एक धानक, हम तो जगत गुरु हैं, हम तो सबके गुरु हैं, हम किसी के चेले ना बना कर, और मेरी तो इज्जत का नाश हो जाए तो किसी बात करी बहन तेने जिक्र भी ना करिए मेरा आज के बाद। वह बहन उठ के आ गई, जब टूक सा पकड़ा दिया उसने, अब ठीक है बहन देख ले, लेकिन यह गारंटी देती हूँ मैं तेरा दुख जाते ठीक होगा उस परमेश्वर के पास। ने बोली ना मैं तो दुख है पा लूँगी, यह लोक लाज काल ने ऐसे बाधाएं बना रखी है हमारे जगह जगह ऊंच नीच, इतना जुल्म कर रखा था कि ये आपस में खसें जा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक बहन और ब्राह्मण कुल की उसके पास गई, और उसके बारे में उसको पता था शारदा को कि ये बहुत दुखी थी, मेरे साथ ही जगह जगह जाती थी, वह मनाग्ञा बैठी पाया करती उन संतों नकलियों के पास। वह आएगी, उसने कहा शारदा क्या बात है, आप कुशल नहीं हो, ना कोई मेरा कोई आराम नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। आप शारदा ने पूछा आपका क्या हाल है, कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ होगी, मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी बना लिए। और उस परमात्मा कबीर जी की शिष्या ने कहा कि आप भी उपदेश ले लो, आप भी ठीक हो जाओगे मेरे ही तरह। तो उसने सोचा ये बिल्कुल ठीक होगी, स्वस्थ होगी, इसको मेरे से भी भयंकर बीमारी बताओ थे। और उसने कहा फिर ये सोचा कि तो ब्राह्मणी है, इसने तो कोई ब्राह्मण गुरु बना रखा होगा, ब्राह्मण। पूछा कि बहन जी फिर बता दे तुझे तेरा कौन गुरु है, और मैं भी उसे उपदेश ले लेती हूँ, मैं भी उससे अपना इलाज कराती हूँ, अपना संकट निवारण करवा लूँगी। पर उस परमात्मा का नाम लिया कि कबीर परमेश्वर आए हुए हैं और यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों वाली कॉलोनी में। अब शारदा के तीन त्योड़ी पड़ी है, कहने लगी बहन तू ब्राह्मणी हो कह, और तने केस कुछ भी ना आगा पीछा सोचा, ये क्या कर लिया तूने, तने नाश कर लिया इज्जत का। वो कहने लगी बहन जब मेरी बिरान माटी हो रही थी उसमें तेने देखा था मेरे को क्या हाल था मेरा, और आज मैं कति सुखी होगी, मेरे घर में सुख, मेरे बच्चे सारे ठीक हो गए, और भी बहुत सा सुख लाभ हमें प्राप्त हो गया, और देख ले और तेरी अपनी मर्जी की बात है, तेरी सलाह को दबाव नहीं, लेकिन वह जाते ठीक होगी। तो वह तो एक महर्षि की माता ने बोली अपना काम करे, मैं तेरे किसी को ना इज्जत का नाश करा लूँगी। और मरण लाग रही, भुगतन लाग रही, सांस सब बताता नहीं, कुल है सारे दिन करावा पड़ी पड़ी, या लोक लाज इसी बूंदी बांध रखी काल न मारे। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, काल ने तो नहीं फंसा रखे हम, किते पटक दिए ठाक है, कोई किसी कुल में कोई किसी मजहब में, इबुन से निकालना है मालिक ने अपने तरीके से,
एक शारदा का एक रिश्तेदार था, बहुत निकट रिश्तेदार, और वो भी बहुत तंग था, दारिद्र बहुत था उसको, बहुत यानी वित्तीय हालत कती खराब थी, परिवार के सदस्य भी सारे बीमार से मार से, बुरा हाल था उसका, कोई तो अपाज था, कोई बहंगा था, ऐसा बुरा हाल हो रहा, उनका लाल पड़े उनके परिवार के सदस्यों के, कर्जा भी बहुत हो गया था। शारदा उससे खूब परिचित थी। वो व्यक्ति एक दिन रामानंद जी के पास गया था, उधर से कबीर जी 5 वर्ष के थे तब, और रामानंद जी 104 वर्ष के ब्राह्मण थे। रामानंद जी को परमात्मा का, रामानंद जी का संवाद हो रहा था, तो रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, वो रामानंद जी के पास भी अपना संकट निवारण के लिए गया था कबीर जी का शिष्य बनने से पहले। तो कबीर जी का और रामानंद जी का एक चर्चा चल रही थी, तो उसी चर्चा वो आपस में कर रहे थे, इतने वो लड़का पहुंच गया वहां पर, ना वो व्यक्ति जो बीमार था, उसने जाके बताया कि स्वामी जी आपने जो मुझे साधना बताई वो मैंने सब अनुष्ठान कर लिए, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिल रहा। तो रामानंद जी ने भी 5-4 बताए थे अनुष्ठान, ऐसे कर ले, राहत कुछ हुई नहीं। उस दिन परमात्मा विराजमान थे रामानंद जी के पास, और रामानंद जी कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे, सतलोक को देख चुके थे, लेकिन वार्तालाप फिर भी कई वर्षों तक चलती रही उनकी, क्योंकि यो ज्ञान इतना भयंकर है, धीरे धीरे हटता नहीं, हटते से। तो उसने कहा, उस ब्राह्मण ने जाके स्वामी रामानंद जी से कहा कि ऐसे ऐसे मैं कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा स्वामी जी। रामानंद जी ने कहा, भाई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, और ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तुझे पाप कर्म है, ये पाप दंड कटे को नहीं, ये तो भोग्य पार पड़ेगी बेटा, ये तो तेरे मृत्यु के साथ समाप्त हो। उसी समय कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक मेरी अर्ज है आपसे, परमात्मा के विधान का आपको कहाँ से पता चला? कि वेदों में लिखा है भाई, रामानंद जी कहते वेदों में लिखा है बच्चा, वेदों में लिखा है। क्या लिखा वेदों में? कि अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पाप कर्म नाश नहीं होता। और फिर बहुत से प्रमाण दिखाए कि देखो दिखाता हूँ, पुराणों में भी लिखा है। ब्रह्मा से एक बार शंकराचार्य ने पूछा था, शंकराचार्य जो शुक्राचार्य जो देवताओं और राक्षसों का गुरु है, उसने भी ऐसे ही बताया था, कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पाप कर्म का नाश होता नहीं। और ये कहकर के उसने पुराण दिखाई, ये देखिएगा देवी पुराण, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर ये ऐसे ऐसे इतना। इसके 414 पृष्ठ पे है, इसके 283 पृष्ठ पे विवरण है, पांचवें सकंद में, पांचवा सकंद, और 283 और 82 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति देवताओं का गुरु है,
बृहस्पति देवताओं के गुरु जी क्या कहने लगे इनकी।